जीजू ने गाली दी, जीजू ने गाली दी। यार देख लो नए कपड़े पहन के आई हूँ, कीचड़ लगा रहे। किसी को चप्पल साफ करनी हो ना तो ऐसे करते हैं। मैं आपका वाइट है, ऐसी ऐसी जगह पे साफ कर दूंगी ना जिंदगी में नहीं कर पाऊंगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और अभी आकाश का कॉल आया है कि वो भी आ रहा है और मेरी मासी का बेटा भी आ रहा है। तो बस हम लोग करेंगे ढेर सारी मस्तियाँ, उनको भी गुड़गांव घुमाएंगे क्योंकि वो पहली बार आ रहा है। तो बस जो भी करेंगे आपको भी अपने साथ साथ रखेंगे। चलो मामा आया, मामा आया, दो दो मामा आ गए सीरत के। क्या लाया मामा सीरत? ओ वाह, जितना तुम किराया लगा के नहीं आया अले बाबा बाबा, मजा आ गया। ओ मजा आ गया, इसके पॉकेट में रख दे। और इसमें और भी चॉकलेट है सीरत, ये भी और भी चॉकलेट्स और लॉलीपॉप। ओए ये भी काश मामा किसके लिए लाया? थैंक यू बोलो मामा को, थैंक यू बोलो। मेरे को नहीं, उसको आई एम पेइंग बट ही डोंट लेट मी पे, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा वो वाला मामा लाया आज। ओहो मामू को थैंक यू बोलो, उस वाले मामू को थैंक यू बोलो। वो वाले मामू लाया, मैंने सामान निकाला, उसके बाद मैंने पर्स निकाला, कहता नहीं नहीं पीछे हट, पीछे हट, मैं दूंगा। मैंने बोलो थैंक यू, बोल दो हाँ। अब संभाल लो, अपनी पॉलिथीन में संभाल लो। तो बस अब हम सबकी मंडली निकल गई है घूमने के लिए। अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाएं, सेक्टर 14, सेक्टर 23 या फिर साइबर हब, क्योंकि कल तक का जहां तक हमने सोचा अगर वेदर हमारे हक में रहा तो हम इंडिया गेट घूमने जाएंगे, जूलो पुलो पता नहीं क्या क्या होता है वो सब चलाएंगे, यूलो यूलो। और अभी कहाँ जा रहे हैं वो इनके हाथ में है, कहाँ जा रहे हैं? मेरे हाथ में कहा है, मेरे हाथ से थोड़ी ना जाओगे, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है ना, मेरे हाथ में तू बैठेगी हड्डी टूट जाएगी। बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हम, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं यार, जहाँ बोलोगे वहाँ चल देंगे। अच्छी जगह कौन सी है? साइबर हब ना भाई, साइबर हब सेक्टर 56 है और कहीं भी चलो मजा आता है, गलेरिया मार्केट है। चलो हम कहाँ जा रहे हैं लोग, हम डिसाइड कर लेते हैं और फिर आप भी चलना। हम कहीं नहीं जा सकते, हम 23 सेक्टर से बाहर निकल गए, हम वहीं पे अभी देखना, अभी मिलेंगे आप। तो भाई इतने घनघोर डिस्कशन के बाद कि हम लोग कहाँ घूमने जाए कहाँ घूमने जाए, हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम लोग आ गए हैं सेक्टर 23। हमें यही रास आता है क्योंकि एक्चुअली बहुत लेट हो गया, 11 बज गए हैं, कितने बोला सब बंद हो गया होगा तो हम यही आ गए। चक्की मार लेगा वो, ये वाला काट लेगा, गली वाला नहीं है ये। तो दीपक से रोल बोल लेने के बाद अब हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने, इसको भी तो दिखाएं कि हमारे गुड़गांव में क्या क्या है ना। मैंने देखा वो, चलो देंगे सीरत, देंगे सीरत, पहले मांगना शुरू। ये ले लो, ले लो, थैंक यू, ये लो। भैया पानी नहीं डाला, ऐसे कैसे, अपने उसको बच्चा समझ लिया, पानी डालो पहले। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो दे दिया पानी भैया ने, देंगे आगे हो जाओ। ये लो, ये वाला ले लो फिर, ओके ठीक है, खाओ। सही है, मैं भी पहले मुंह वाला फिनिश करो फिर और देंगे भैया। पानी पियो, पानी पियो। अच्छा उसने देख लिया कि उसने पन्नी से गोलगप्पे निकाले, गई गई चढ़ा के। बेटा तीन गोलगप्पे तो फ्री के खा गए हो, ओ भाई दो उठाए हैं। तो बस हमारी पार्टी हो गई है शुरू। ये आ गया है हमारे पास चिकन मोमोज, पीछे ये भाई जो मासी का बेटा है ये है वेजिटेरियन तो ये खा रहा है पनीर मोमोज, और ये तो मिक्स है, इसको तो बस आने से मतलब है, जो मर्जी आए है ना। और जस्ट अभी अभी प्रीति दी का भी फोन आया कि तुम लोग कहाँ हो, हमारा मन नहीं लग रहा, हम मिलने आ रहे हैं। वैसे तो वो घर आना चाहते थे बट हम यहाँ थे तो वो कह रहे हैं हम यहीं आ रहे, तो यही उनसे हाय हेलो करते हैं फिर हम जाएंगे आगे। ये जीजू आ गए हैं, इनको ड्राइविंग करनी तो पता नहीं, हमारे ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं, इनको पता नहीं है पार्किंग क्या होती है। एक तो कैमरा खोल लिया इन्होंने, बोलो बंद करो, कैमरा बंद करो, शाइनिंग व्लॉगर इतनी आसानी से नहीं आएगा व्लॉग में। जीजू ने गाली दी, जीजू ने गाली दी। यार देख लो नए कपड़े पहन के आई हूँ, कीचड़ लगा रहे हैं।
क्या वो भाभी नेटवर्क नहीं आ रहे? नेटवर्क नहीं आ रहे आगे ना? मेरे तो नेटवर्क दूसरों के भी नेटवर्क में कैच कर। किसी को चप्पल साफ करनी हो ना तो ऐसे करते हैं। मैं आपका वाइट है, ऐसी ऐसी जगह पे साफ कर दूंगी ना जितनी मैं। अरे बोलो एक मिनट, कौन सा गाना? सीक्रेट है। हाँ दो सीक्रेट आया है इसका। सीक्रेट आया है स्कूल में? ये कह रहे सी आया है। ये बहुत सियानी है, जब नजर हटी नहीं पानी में मिलेगी। डी आया है। डी 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 बी फॉर बॉय, बी फॉर बैग। वो है तेरा बी फॉर क्या? बैग क्या होता है? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड क्या होता है? जिसको खरीदा होता है। से कौन बताता है मेरा सीक्रेट है? किसी सी आया है, दो में सी आया है। ए आया है किसी में? ए अंडा। यार नहीं खा, नहीं खा रहा तो आए क्यों? चार दिन होते हैं और दे दो। नहीं होती, वो ड्रेस होती है भैया। सिखाया नहीं इसको कि इसको ड्रेस बोलते हैं। निक्कर है ये, कहाँ से निक्कर है ये? और तो जान के देख के पापा ने तो यही सिखाया है। वो कह रहे हैं अगर पैर का इतना भी एरिया बचा इसका मतलब आपने निक्कर पहनी है। और झुक झुक के क्या देख रहा था? तूने खुद पहनी है? प्रीति जी छोड़ो ना, आपने वैसे उदयपुर में अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, क्या करना है मोमोज खा के? प्रीति पतली लग रही है वैसे। सच में पतले लग रहे हो? पतली लग रही है आज, पेट बाहर कर। वो ब्लॉगिंग का कीड़ा चढ़ गया ना। कभी कभी नहीं है इसको। क्यों आपकी फैमिली में कब्जी में से पोज बनाते हैं? पेट अंदर फैमिली है, वो इन्हीं के फैमिली है। तभी तो बोला ये रात वाले हैं ना सारे। सारे रात वाले, तेरे को पता नहीं है। फिर आ गए आप, खा के नहीं आए? कुछ तो खा लो, 40 रुपए का ही तो है। क्या आलू बोला मैं जिंदगी में ना खाऊंगा? वही तो आलू दम आलू फ्राई आलू। ये नहीं बताना था पागल। फ्लैश ऐसे ऑन होती है। अब होगी 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 होगी। ये फ्लैश ऐसे ऑन कर दिया हाथ रख के, है ना? वाह भाई वाह, वही है तू आखिर। डल लेक वाली है कौन सी? वो दूसरे लेक वाली है। वो चल गई चल गई। 75 में युद्ध हुआ था, ठीक है? युद्ध हुआ था। हाँ युद्ध, युद्ध मीन्स वॉर। तो उनको अमेरिका ने टैंक दे दिए थे। उनको बोला जाओ हिंदुस्तान पे अटैक कर दो। उनको चलाना ही नहीं आया। सो हिसाब तेरा है, तेरे को एप्पल फोन दे दिया तो कहाँ से चलेगा? तो ये मतलब 1975 मॉडल है, ये उससे भी घटिया मॉडल है। नोकिया 3310 ले लो। समझा? उसमें सांप चल, सांप तो नहीं गेम खेली। सांप सीढ़ी वाली गेम वो होती है। फेंक के मारो कि फोन को कुछ नहीं होगा, सामने वाले की हड्डी टूट जाएगी। भाई पाकिस्तान वालों इस चीज को दिल पे मत लेना यार, मजाक था। इतनी गलत बात बोली है ना आपने पाकिस्तान वालों के लिए। अब कमेंट देखना, सबसे पहले अरसालन अरसालन जी का आएगा। अरसालन अरसालन अली अली। कल बताएंगे आपको कैसे बोलते हैं। चलो बाय पाकिस्तान। आ जाओ अब तू साले 23 सेक्टर से आगे नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल सोना गया था, देखो वापस घेर के लेके। चलो बाय बाय। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे अंकित की गाड़ी में स्क्रैचेस। ये शादी से पहले हम दोनों घूमने गए थे तो हमने लगाए थे ये। कहाँ पे? इंडिया गेट पे। 3:30 बजे का टाइम था, इंडिया गेट पे हमने लगा दिए थे। उसके बाद ये नई नई गाड़ी निकाली थी अंकित औरों ने, तो इनके घर पे किसी को पता ना चले। मैं रात को 2 बजे तिलक नगर मार्केट में गई, मैंने वहाँ पे ब्राउन कलर की नेल पेंट खरीदी और फिर मैंने नेल पेंट से सारे निशान लगाए। तो सीरत चला रही है पापा के साथ गाड़ी और सीरत आ गई है अपने नॉर्मल बनियान में और डायपर में, बिकॉज जो हम सेक्टर 23 कपड़े पहना के लेके गए थे मैडम जी ने उस पे गिरा ली है। कोक चटनी और गोलगप्पे का पानी सब कुछ, कपड़े इतने ज्यादा गीले हो गए और हम सिर्फ आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए ग्राउंड पे आए थे। तो गाड़ी का अब एसी भी नहीं चला रहे हम। हाँ, मतलब हम एसी भी नहीं चला रहे क्योंकि मैं बेबी बैग लाई नहीं थी, क्योंकि हम गाड़ी में आए सिर्फ 1 घंटे का राउंड काटने थे। फिर प्रीति जीजू ने फोन किया कि हम भी आ रहे हैं, फिर हमने उनका वेट किया। तब तक इसको कुछ खिलाया पिलाया, इसने सब लिद मार दी चीजों की, तो अब इसको कर दिया तो इन चीजों में। और क्या नाम है, बंद कर दिया गाड़ी का एसी ताकि चले ना। अब पापा के साथ चलाएगी सुपरमैन गाड़ी, सुपर गर्ल। से हाय हाय बोल दी हाय। एक्चुअली आज पता है क्या, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही, गला पूरी तरीके से उसका ब्लॉक है ड्यू टू आइस क्रीम्स एंड ऑल। बट क्या करे, बच्चा मांगता है तो मना भी नहीं किया जाता। गाना गाओ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे नहीं आता इसमें।
भाई रात को 12 बजे हम लोग आ गए हैं एसेंशियल्स पे, देखते हैं सीरत के लिए, वो खाती नहीं, जो वो खाती वो लेती हूँ। सीरत के लिए कुछ ले रही हूँ, छोटा मोटा सा, क्या लूँ समझ नहीं आ रहा। यार वो एक सेकंड में तो वो खाना है क्या? अरे वो तो इसको पता ही नहीं है इसको क्या खाना है। सुअर क्या खाना है मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं अपने भाई को सुअर बोलती हूँ, नो ऑफेंस। पंजाबी तड़का? नहीं नहीं पंजाबी तड़का नहीं, वो कोई सा फ्लेवर आता है उसमें, चिप्स टाइप होते हैं वो ट्रायंगल के। बिंगो नहीं, अच्छा वो नाचोस, नाचोस नाचोस नीचे होंगे ऊपर नहीं है। छोड़ ना, अभी जो ले रही हूँ वो ले ले, छोड़। मैगी है घर पे? हाँ मैगी घर पे है, बहुत सारी मैगी है, मैगी बना के दे दूंगी। चलो नहीं खाने, आ जा तेरे लिए ले लूँ पेडिग्री, एक नंबर का टेस्ट है कुत्ते का खाना। लड़ाई उठी, लड़ाई मेरी ऐसे क्यों करते हैं, पूरा ट्रैफिक इन्होंने जाम किया हुआ है। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, हम घर आए, टाइम हो गया है अभी बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं शायद 1:30-2:30 पता नहीं क्या बज गया है। हम लोग इतना मार्केट घूम के आए, जीजू औरों के साथ सब कुछ खाया पिया, ऐश किया, आकाश और ही फिर आके बोलते हैं कि बहन दोबारा भूख लगी है, पिक्चर भी देखनी है। फिर हमने फिर बनाई मैगी, मैगी खाई, मैगी खाने के बाद साथ में टीवी देखा, और अब हमें कल फिर दोबारा घूमने जाना है। तो अब उनको बोल दिया कि प्लीज़ जाके सो जाओ, और सीरत की भी तबीयत ख़राब है, सीरत को हल्का फीवर और गला बिल्कुल बंद है सीरत का। बोल के दिखाना सबको आपका गला कैसे बंद है, बोलो हाय। ओए मेरे ऊपर नाक गिर रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं कैसे गला बंद, अरे छी नाक गिर रहा है, नो नहीं करो मेरे ऊपर गिर रहा है, नहीं छिया ऐसे क्यों कर रहे हो यार। तो शिया को है फी नोज ही आ गई ऐसे करने से, छी छी ऐसे नहीं करो, छी बब्बू आ रही है, बब्बू आ रही है, बब्बू आ रही है, इतना क्यूट होता है, सच में नोज ही आ गई सीरत, ऐसे क्यों कर ले हो, ये कौन सा जुकाम होता है, सच में नोज ही आ गई है गन्नू ऐसे नहीं करते मम्मा के साथ। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे बैठे बैठे एक प्लानिंग हो गई है, मतलब मेरे ओह माय गॉड अभी जंप मार सीरत। तो अब हमारी बैठे बैठे एक प्लानिंग हो गई, हम लोग अपने मतलब आकाश मम्मी और हम सब बैठे बैठे बातें कर रहे थे, अपने गांव की यूपी की बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते क्या हुआ ना, मतलब बताया कि वहाँ पे कैसे भैंस मतलब जब गोबर करती है तो उसी गोबर के उपले बनाए जाते हैं, फिर उनसे रोटियाँ रोटी सब्जी मतलब चूल्हे में यूज करके उनको रोटी सब्जी बनाते हैं, ऐसे करते करते। और हमारे वहाँ टिक्की मिलती है 10 रुपए की 20 रुपए की, बहुत ही अमेजिंग, विदाउट ऑयल वाली होती है। देखो गाँव में महंगाई तो है नहीं, तो जैसे सोर्सेस होते हैं वैसा टेस्ट होता है। और हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 18 में हुई थी, तो आज तक अंकित कभी भी मेरे गाँव नहीं गए हैं। मम्मी गई थी, नाना है, नाना है जाओ, पापा अंदर है, पापा को बोलो पापा नहाई नहाई करा दो शिया को, ठीक है ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि इतनी लेट रात को बोल रही है, 2:30-3 बज गए हैं, अंकित नहा क्यों रहे हैं, तो पूरा सीन बताती हूँ आपको क्या हुआ। तो हमारी बातें चल रही थी, तो बातें चलते चलते हमने अपने गांव की स्पेशलिटी बताई, क्योंकि देखो मेरे साइड से मेरे दोनों भाई आ गए हैं, तो मेरा पलरा थोड़ा भारी हो गया, तो मेरी बातें ज़्यादा सुनी जा रही थी। तो हमने बात करते 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 प्लान बनाया, ये होता है वो होता है। तो अंकित फाइनली पता नहीं कैसे, जो इंसान कभी नहीं मानता वो मान गया, कहते चल तेरे गाँव ही चलते हैं, 2 दिन घूम के आते हैं, मेरी छुट्टी भी है 2 दिन, तो अंकित ने बोला 2 दिन घूम के आते हैं। तो अब हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने गांव यूपी जाने का। मेरा गांव है विजयपुर, जो कि है कायमगंज के पास, पता नहीं आप में से कोई जानता होगा कि नहीं। तो अब मैं वहां जा रही हूँ 2 दिन मासी के घर, मासी वहां रहती है। अब वहां मैं तो एडजस्ट कर सकती हूँ, मम्मी भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, सीरत तो बच्चा है जैसे मर्जी एडजस्ट करा लो, अंकित का हमें देखना है वो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो 3 दिन अपने पेट में कब्जी बना के रह लेंगे, लेकिन वो हिंदी वाले वॉशरूम में कभी भी पॉटी नहीं करेंगे। और वहाँ पे तो भैया पहले बात तो वॉशरूम्स ही नहीं होते, खेत में जाना पड़ता है। बट मासी के घर पे लकीली एक वॉशरूम है, बट वो हिंदी है, तो देखना है अंकित वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं। और बिल्कुल ही गाँव का एनवायरमेंट होगा कि गाँव गाय, आप चाय पी रहे हो आपके साइड में गाय पॉटी कर रही है, मतलब गोबर कर रही है, सुसु कर रही है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन प्योर गांव का माहौल होगा। आप देखते हैं वहाँ पे कैसे मजे आएंगे। और रही बात नहाने की, तो अंकित और मम्मी अभी दोनों ही नहा रहे हैं,
क्योंकि जाना है तो दोनों ने, मतलब किसी ने अपने फेस पे कुछ करवाया है, मम्मी के हेयर्स ज्यादा ग्रे हो गए थे तो मम्मी ने डाई लगवा ली है। मम्मी आ गई है, देखो सर धो के मम्मी आ गई है, और अंकित अभी अपने फेस वॉश कर रहे हैं, सबने फेस पे कुछ ना कुछ लगाया है। तो बस ये जो व्लॉग आएगा गांव वाला, इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगी मैं, 3 दिन की या 2 दिन की बनाऊंगी। आप लोग प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा इन व्लॉग्स को, क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल प्योरिटी, कोई भी फिल्टर नहीं होगा कि वो एसी के बिना वो इसके बिना, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। हाँ तो हम गांव पहुंच जाएंगे 20 तारीख को और ब्लॉग शायद गांव का पहला आएगा 21 तारीख को। तो प्लीज उस सीरीज को भी लाइक करना क्योंकि मैं आपको प्योरिटी दिखाने वाली हूँ। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय।